नमस्कार, इनक्रेडिबल ट्रेवलर में आपका स्वागत है। मैं प्रसिद्ध नाटू। लोकसभा इलेक्शन फेज 5 में कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, कितने प्रत्याशियों पर क्रिमिनल चार्जेज हैं, कितने प्रत्याशी करोड़पति है, इन पर चर्चा करते हैं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 के पांचवें चरण में कुल 695 उम्मीदवार मैदान में। इन सभी उम्मीदवारों के चुनाव हलफनामों का एडीआर ने विश्लेषण किया है। 695 में से 227 उम्मीदवार करोड़पति है। वहीं पांचवें चरण के चुनाव में लड़ रहे 159 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आइए एडीआर की रिपोर्ट को विस्तार से समझते हैं। देश में इस वक्त चुनाव की सरगर्मी है। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। 4 चरणों में चुनाव हो चुका है। 5वें चरण से नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस बीच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर ने 5वें चरण में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के हलफनामे का जिक्र किया है। इस चरण में कुल 695 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, जिसमें शपथ पत्रों का विश्लेषण भी किया गया है। एडीआर ने सोमवार को जारी किए विश्लेषण में बताया कि पहले चरण में 695 उम्मीदवारों में 159 पर आपराधिक मामले दर्ज है, वहीं 227 उम्मीदवार करोड़पति है। आइए जानते हैं एडीआर की रिपोर्ट में क्या क्या है। 695 में से 159 23% उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 122 16% उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 3 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर दोषित मामले घोषित किए हैं। 4 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर हत्या आईपीसी 302 से, जबकि 28 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ हत्या के प्रयास आईपीसी 307 से जुड़े मामले घोषित किए हैं। महिलाओं के ऊपर अत्याचार से जुड़े मामले घोषित करने वाले उम्मीदवार 29 है। इन 29 में से 1 उम्मीदवार के ऊपर दुष्कर्म आईपीसी 376 से जुड़ा मामला दर्ज है। इसके अलावा भड़काऊ भाषण से जुड़े मामले घोषित करने वाले कुल 10 उम्मीदवार हैं। पांचवें चरण में सपा के सभी 10 में से 5 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। वहीं शिवसेना के 6 में से 3, AIMIM के 4 में से 2, भाजपा के 40 में से 19, कांग्रेस के 18 में से 8, TMC के 7 में से 3, शिवसेना UBT के 8 में से 3 और राजद के 5 में से 1 उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है। 695 उम्मीदवारों में से 33% यानी 227 उम्मीदवार करोड़पति है। सबसे ज्यादा भाजपा के 36 उम्मीदवार करोड़पति है। AIMIM के 4 में से 2 उम्मीदवार करोड़पति है। चुनावी हलफनामों में इन प्रत्याशियों ने 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति घोषित की है। लोकसभा चुनाव 2024 के पांचवें चरण में हर उम्मीदवार के पास औसतन 3.56 करोड़ की संपत्ति है। तलवार आंकड़ों पर गौर करें तो NCP शरद गुट के 2 उम्मीदवारों की सबसे ज्यादा औसतन संपत्ति 93.64 करोड़ की संपत्ति है। पांचवें चरण में सबसे ज्यादा संपत्ति घोषित करने वाले उम्मीदवार अनुराग शर्मा हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी से भाजपा प्रत्याशी ने कुल 212 करोड़ की संपत्ति घोषित की है। इस मामले में दूसरे स्थान पर निर्दलीय नीलेश भगवान सांबरे हैं। महाराष्ट्र की भिंडवी सीट से चुनाव लड़ रहे सांबरे ने अपने हलफनामे में 116 करोड़ की दौलत बताई है। तीसरे सबसे धनी प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी पीयूष गोयल है। महाराष्ट्र की मुंबई उत्तर सीट से चुनाव लड़ रहे गोयल की संपत्ति 110 करोड़ की है। उधर 1 उम्मीदवार ने अपनी संपत्ति 0 घोषित की है। वहीं 3 उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति क्रमशः 66 रुपये, 700 रुपये और 5,427 रुपये बताई है। तमाम उम्मीदवारों की
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 293 42% उम्मीदवार 5वीं और 12वीं के बीच पढ़ाई किए हुए हैं। 349 50% उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता स्नातक और उससे ज्यादा बताई। 26 उम्मीदवार डिप्लोमा धारक है, 20 उम्मीदवार साक्षर जबकि 5 उम्मीदवार साक्षर भी है। उम्मीदवारों की आयु के आंकड़े देखें तो 307 30% उम्मीदवार 25 से 40 वर्ष के बीच के हैं। 384 55% उम्मीदवार 41 से 60 वर्ष के बीच के हैं। 103 15% उम्मीदवार आयु 66 से 80 वर्ष की है। 1 प्रत्याशी ने अपनी आयु 81 वर्ष बताई। 5वें चरण के चुनाव में महिला प्रतिनिधित्व देखे तो इसमें 695 में से 81 यानी 12% महिलाएं उम्मीदवार हैं। दोस्तों, ये थी लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में प्रत्याशियों की जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।